पुलाव बना रहा हूँ आज, और ये जो पुलाव की रेसिपी है माइंड ब्लोइंग बनती है। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, एक ही पॉट के अंदर एक ही बर्तन में पूरा पुलाव बन जाता है बहुत आसान तरीके से। चावल एकदम खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बनती है, और जो फ्लेवर है इस पुलाव का एकदम बिरयानी वाला टच आ जाता है। ऑल इन ऑल एकदम सुपर सिंपल रेसिपी है। वेज पुलाव बनता कैसे है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बासमती चावल लिए हैं। बासमती चावल को आपको अच्छे से पानी से धोना है, तो पानी ऐड करके हल्के हाथों से चावल को धोइए कि चावल के ऊपर जो पाउडर लगा होता है, एक्सेस स्टार्च होता है, वो सब निकल जाना चाहिए। आपको 3 से 4 बार चावलों को धो लेना है जब तक कि पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगभग 4 बार चावलों को धो लिया, और जब मैं अभी पानी ऐड कर रहा हूँ पानी एकदम क्लियर है, यानी कि चावल एकदम अच्छे साफ हो गए हैं। चावलों को अभी 30 से 35 मिनट तक आपको सोक करने रख देना है। अब पुलाव बनाने के लिए एक फ्लैट बॉटम वाला बर्तन लेना है, इस तरीके का बर्तन ले लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून घी डालकर गरम कर लीजिए। एक बार घी और तेल गरम हो जाए तब 1/2 टीस्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 2 तेज पत्ते और 2 यहाँ पर मैंने प्याज स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं। प्याज को अभी ऐड करके आपको अच्छे से स्टर करना है, और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भून लेना है। अच्छे से प्याज को स्टर करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। अब देख सकते हो प्याज एक बार इस तरीके से हल्का हल्का रंग पकड़ जाए तो फ्लेम को लो कर लीजिए, और फिर थोड़ा और अच्छे से इसको पकाइए। जैसे हम बिरिस्ता पकाते हैं उसी तरीके से प्याज को पका लेना है। तो अब देख सकते हो प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट और 1 स्लाइस किया हुआ टमाटर ऐड कर दीजिए, साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए ताकि टमाटर जो है हमारे फटाफट से गल जाएं। स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक आपको पका लेना है। अगर आपको लगे मसाला ड्राई है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं और इस मसाले को फर्दर कुक कर सकते हैं। आपको मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है वो गल जाते हैं। आप देख सकते हो टमाटर गल चुके हैं। इस स्टेज पर आपको फ्लेम को लो कर देना है और मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ कि मसाले जले नहीं और मसालों को हम 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से भून पाए। तो मसालों को बस 2 मिनट तक फिर से पका लेना है। इस 2 मिनट के प्रोसेस में तेल भी जो है वो छूट जाएगा। अब देख सकते हो तेल यहाँ पर छूट चुका है। एक बोल के अंदर 3/4 कप दही ले लीजिए। इसमें 1 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला ऐड कर रहा हूँ, और अच्छे से अभी मसाले को और दही को आपको फेंट लेना है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। होममेड बिरयानी मसाले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये देख सकते हो मसाले को अच्छे से मिला लिया है दही के साथ। दही ऐड कर दीजिए अब, और अच्छे से आपको स्टर करते रहना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। आपने एक बार 1 से 2 मिनट के लिए दही को अच्छे से स्टर कर लिया है। इस स्टेज पर 2 डाइस किए हुए आलू, 1 डाइस की हुई गाजर, 1/2 कप चॉप की हुई फ्रेंच बीन्स, 1/3 कप हरे मटर, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ ताज़ा पुदीना, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको आलू जो है वो जब तक आधा पक जाए तब तक सारी सब्जियों को कुक करना है। यहाँ पर हम सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सब्जियाँ एकदम से गल नहीं जानी चाहिए, बस आलू जो है हमारा आधा गल जाए तब तक ही सब्जियों को पकाना है। तो लगभग यहाँ पर 4-5 मिनट लगेंगे, सब्जियों को आप पका लीजिए। 4-5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। जब आलू को मैं चेक कर रहा हूँ तो ये लगभग 50-75% कुक हुआ है। यही स्टेज तक आपको कुक करना है, पूरी तरीके से गलाना नहीं है। इस स्टेज पर आपको मसाले को टेस्ट कर लेना है। मसाला टेस्ट करके नमक और इसका जो तीखापन है मसाले में एडजस्ट कर लीजिए। नमक और मसाले हल्के से तेज लगने चाहिए इस स्टेज पर, तो थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया था, कम लग रहा था। अब जो चावल हमने सोक करके रखे थे उसका आपको ये पानी जो है वो निकाल देना है, और फिर चावलों को आपको ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करना है, तो यहाँ पर 4 कप पानी ऐड कर रहा हूँ, तो जितना आपने चावल लिया था उसका एग्जैक्ट डबल आपको यहाँ पर पानी लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम को तेज रखिए और इस पानी के अंदर एक हल्का सा उबाल आने दीजिए। एक बार पानी में हल्का सा उबाल आ जाए तो ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए आपको इस पुलाव को पकने देना है। बिल्कुल भी बीच में आपको स्टर नहीं करना है। 7-8 मिनट के बाद आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। लगभग 10 से 11 मिनट में एकदम परफेक्ट पुलाव पक जाता है। चेक कर लेते हैं,
अब देख सकते हो चावल के दाने कितने खिल चुके हैं। इसे चेक कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो एक स्पैचुला ले लिया मैंने, साइड से ऐसे हल्के से चावल साइड पर करके देखो, पानी जो है नीचे होना नहीं चाहिए, पानी अगर रह जाए थोड़ा सा तो एक दो मिनट के लिए और पका लीजिए, तो आपका जो पुलाव है वो परफेक्टली रेडी हो जाएगा। तो पुलाव हमारा रेडी हो गया है। इस स्टेज पर आपको पुलाव को कम से कम मिनिमम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है बिना स्टर किए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा हमारा पुलाव, और जब हम मिक्स करेंगे इसे, इसमें से थोड़ी सी जो एक्सेस स्टीम है वो निकल जाएगी, तो चावल के दाने जो है टूटेंगे नहीं और आसानी से आप पुलाव को सर्व कर पाएंगे। सो 5 to 10 मिनट्स ऑफ रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट करने के बाद इसे सर्व करना है। इसे सर्व कैसे करना है, इसको निकालना कैसे है चावल को इस बर्तन में से, वो देख लेते हैं। पुलाव को एक बार रेस्ट आपने दे दिया, आप देख सकते हो चावल एकदम खिले खिले हमारे बने हैं एकदम। इस तरीके से करछी लेकर साइड से आपको चावलों को एकदम हल्के हाथों से ऐसे निकालना है। साइड से जब आप चावल को लोगे, ऐसे बीच में से नहीं लोगे, तो चावल जो है आपके टूटेंगे नहीं, दाना एक एक आपका एक समान रह जाएगा। तो आप देख सकते हो एकदम हमारा परफेक्ट वेज पुलाव रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट वाईएफएल स्टाइल।